हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। सो अचानक से व्लॉग स्टार्ट किया मैंने। एक्चुअली क्या हुआ, अभी हम लोग छत पे थे बैठे हुए, आ रहा वो मैं सिर्फ, और ना ऐसे ही मैं हम लोग वही कुरकुरे वगैरह खा रहे थे साथ में बैठकर। तो इसने क्या किया ना, चिप्स वगैरह निकाले और ना डेजी को देने लग गया। फिर मेरा तो ध्यान फ़ोन पे था, मैं एडिटिंग कर रही थी, तो ये उसको दे रहा, उसको छेड़ रहा, डेजी को छेड़ रहा था छत पे। तो मैंने देखा नहीं उस टाइम पे ये क्या हुआ, मेरे को दिखा रो रहा ही आया मेरे पास, इसकी उंगली में पूरा दांत काट कर, दांत लगा रखे हैं पूरे, छील दिया पूरी इसकी उंगली यार, क्योंकि डॉग का क्या होता वो तो उसको ना परेशान करो तो फिर वो काटेगा ही। तो अभी डेजी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है ना, फिर वो काटती ही ज़रूर है, तो इसको काट दिया। पहली बार काटा ऐसे डेजी ने किसी को, तो उसको मुँह देख ही रहा, आज के बाद वो कभी नहीं छेड़ने वाला डेजी को भाई। अभी इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं अभी हम लोग, तो चलो अभी इंजेक्शन लगवा के आते हैं। हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, ये मुझे कह रहा है इंजेक्शन नहीं लगाना, दवाई चाहिए। दवाई चाहिए, इंजेक्शन से लगेगा इसका, इसे इंजेक्शन ही लगता है। चलो पिछली बार भी यहाँ बैठे थे हम, पहले मैं दीक्षा के लिए यहाँ बैठी थी, फिर अपने लिए, फिर इसके लिए बैठ रही हूँ। लोग हमें बोलेंगे हम कुत्ते से कटा दे रहे थे हमारा रिकॉर्ड बन रहा है डॉगी से कटाने का। अब तो नहीं करोगे डेजी को परेशान? अब नहीं करोगे परेशान डेजी को? दो गाइस इतना काट, दबा मत, ठीक है ये काटा इसको, बहुत ज्यादा काट दिया। दर्द नहीं होता? होता, कह रही दर्द होता है, दवाई नहीं मिलती। पर दवाई नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, दवाई मैं बात कर लूँगी, मैं डॉक्टर से बात कर लूँगी, हाँ डॉक्टर से बात करूँगी, दवाई देगा तो ठीक है, नहीं तो इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ लगेगा और वहाँ, दवाई नहीं मिलती। गाइस इसने इंजेक्शन लगा लिया, अब इसका मुंह के रंग ठीक हो गया, अब असर है। कहाँ कहाँ लगा आपके इंजेक्शन बताओ, सभी को बताओ, तब मैं बताऊँगी ना सभी को आप कितने बड़े हीरो हीरो। हाँ और कहाँ दर्द लगा है? यहाँ पे, यहाँ पे वो दर्द हुआ था। सो गाइस बैक इन होम, और आरा पता है भाई इंजेक्शन लगाने को रेडी नहीं था। आज के दिन दो दो चीज़ें, खुश मतलब एक खुशखबरी थी और एक बैड न्यूज़ तो आपने सुनी ली है। तो अभी जस्ट 40 सब्सक्राइबर बचे, सिर्फ 40 सब्सक्राइबर बचे हैं जो कि बस बचे हैं, अगर वो कंप्लीट होते हैं तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। और जो अंदर से जो खुशी हो रही है मुझे, सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को 50,000 इन सब की अभी जितने भी सब्सक्राइबर हुए थे ना उसमें उस इतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी जितनी अभी हो रही है, सीरियसली बता रही हूँ पेट में, क्योंकि मेरे को अभी ना अभी अचानक से रियलाइज है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब से यहाँ पे इंजेक्शन लगाया ना, हाँ कहाँ पर, बम में, तब से मैं खड़े नहीं हो पा रहा, दर्द हो रहा है अभी रात तक। ये मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, मुझको पार्टी दो, मुझको चाहिए इतने 8 लाख सब्सक्राइबर। 8 लाख सब्सक्राइबर चाहिए तेरे को? तो लोगों से बोलो 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करो पहले। 8 लाख बोलो लोगों को, बोलो गाइस 8 लाख सब्सक्राइबर जल्दी खत्म करो बोल। आज आपके लिए मैंने इंजेक्शन भी खाया है, आज आपके लिए मैंने पुट्ठे पे इंजेक्शन खाया है। दो बचे अब तो, पागल दो बचे। मुझे पप्पी क्यों कर, अबे एक मिनट हो जाएगा देखते 100 के ऐसे रहेंगे कि नीचे होंगे ऊपर होंगे, देखते गाइस देखते गाइस। अभी थोड़ा है कि क्या पता नहीं वापस वहीं पीछे आ जाए, है ना। एक और कॉल उड़ गया। थैंक यू गाइस, आप सभी का सपोर्ट का बहुत जरूरत था और हमारे 100 के कंप्लीट हो चुके हैं, बस विश्वास नहीं रहा, हमको तो रोना आने वाला था बट मैं रोई नहीं, क्योंकि हम लोगों की इतनी मेहनत है इसमें, मतलब
शीतल की तो है ही पर हम लोगों की भी है क्योंकि हमने इतने पसीने बहाए हैं वीडियो के लिए, धूप में गए इधर उधर। पर ये अभी एक लाख हो गए तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, अभी भी हम बहुत मेहनत करेंगे। हम चारों के चारों जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए और पापा नहीं जा रहे कहीं पर भी, पापा का इंटरेस्ट ही नहीं कहीं पर भी, तो पापा आज घर पे हैं। और आज हम गर्ल्स पार्टी के, बस आरव भी बीच में इन्वॉल्व हो चुका है क्योंकि आपको पता है आरव हमारे बिना रहता नहीं है, तो अभी चलते हैं। चलो गाइस, हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से ये रहा पीछे अशोका होटल, और कोमा का एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था। ये एक दिन किसे टकराई थी, स्कूटी से, स्कूटी यहाँ से आ रही थी और ये यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पर सीधा स्कूटी वाले ने इसको धक्का दिया, उतर के घूमते हुए गई यहीं गिरी थी, यहीं पर सिर्फ यही जगह थी बिट्टो, और फिर वहाँ पर इसको खड़ा किया, हम यहाँ से गए हॉस्पिटल। भाई आ गया ये दिन याद, ये अशोका होटल के बिल्कुल बगल में ही एक्सीडेंट हुआ था, ये पीछे है 5-स्टार होटल हमारे, पर हमें जाना है उधर। चलो भाई भाई चलते हैं अंदर। मैंने अपना फ़ोन लेना, यहाँ पर बहुत सारे कैफे हैं और इन्हें सेफ जगह पर है, चाणक्यपुरी में पहली बार आ रही है इधर डिगिन में, यहाँ पर और भी है, यहाँ पर अलग अलग कैफेज हैं। ओह यार लाइटनिंग तो बड़ी अच्छी है यहाँ की यार, गई तो मैं हीटर के सामने मिली सीट एकदम। कोमल को, इस कोमल को बिल्कुल भी ठंडी लग रही, देखना अपने जैकेट उतार दी इसने, उतार दी जैकेट सीधा इसने, भी उतार दी इसने स्टाइल मानने के लिए यहाँ पर। So guys, अभी जिस मैंने ऑर्डर किया है, हमारा पिज्जा आ चुका है और मैं इनको प्लेट बांट रही हूँ। दो स्लाइस खाओगे आप, इतनी भूख लगी है। कह रहे सब ये तो खा लो पहले, एक चीज दो दो चीज खा रहा है भाई। मम्मी कह रही है पाव कह रहे, मम्मी कह रही है अभी गुस्से तुम्हारा तो खाना पीना भी हो गया। हाँ जल्दी आ गया ऑर्डर, अभी गुस्से आप क्यों नहीं आए, अभी गुस्से आप क्यों नहीं आए, गार्लिक ब्रेड खा रहा है। आरव से पूछ लो कैसे हो रहा आरव है, अभी इस बेंच के ऊपर चढ़ा हुआ था, अभी इस बेंच के ऊपर यहाँ चढ़ा हुआ था और नाच रहा था और यहाँ पर लेट गया था, देखना कैसे बदतमीज है। खींच रहे हो फोटो, सच में खींच रहे हो, आर स्माइल करो, फोटो खींच रही हूँ मैं, स्माइल करो, स्माइल असली स्माइल, स्माइल कैसे करते हैं, ऐसे स्माइल करते हैं, स्माइल करो, स्माइल ऐसे स्माइल करते हैं, खुल के स्माइल करो, जैसे हंसते हो, हंसते हंस के दिखाओ पहले कैसे हंसते हो, ऐसे हंसते आप, ऐसे हंसते, चलो अच्छे से स्माइल करो, अच्छे से करो स्माइल करो, यहाँ देखो स्माइल करो, टाइट वाली स्माइल, ढंग से पोज मारो, खड़े हो, स्माइल करो ना अच्छे वाली, ये कैसी स्माइल कर रही हो आप, स्माइल करो, मुझे नहीं आती स्माइल करना, फनी हो यार, दोनों को स्माइल करनी आती, दोनों ही जैसे हो क्या, बेटा और माँ दोनों ही जैसे। क्या है ना, दीक्षु और खुशी और कोमल हमें छोड़ के चले गए, मम्मी और मेरे को, वो लोग बाहर चले गए फोटोशूट करने के लिए, अभी हमारा एक और ऑर्डर आ रहा है, हमने और ऑर्डर कर लिया, भूख लग रही थी, एक और पिज्जा आ गया, तो वो दोनों पता नहीं कहाँ पर है, इनकी हरकतें देखो, ये ना कहीं भी जाना ये ऐसी हरकतें करते हैं भाई, अलग ही लग रहे दोनों फोटो शूट करते हुए, बहुत ज़्यादा लग रहा तुम दोनों। ये ना इसने ओरियो, इसका ना ओरियो शेक ना ये पी गई लास्ट वाला, तो इन्हें इसको गुस्सा आ रहा है, यार मेरे एक और ओरियो शेक मंगा दो। एक्चुअली ना यहाँ पर ना लास्ट ऑर्डर देना था, तो ये अब ऑर्डर नहीं दे सकते, अब खत्म मतलब बंद होने वाला है, तो ये यहाँ पर पीछे पड़ा हुआ है, अभी चाहिए, अब नहीं मिलेगा, ये खाओ अपना पिज्जा बस खत्म, अभी लास्ट बोला था लास्ट ऑर्डर, अब नहीं कर सकते, हाँ ठीक है ठीक है, पहले इसको तो खा, पहले मैं खा जाऊंगी, बहुत अमेजिंग लगा मेरे को, थोड़ा तेज
गाइस पहली बार मैं ट्रीट दे रही हूँ तो अभी चलते हैं घर। तो गाइस अब जा रहे हैं घर और बहुत सारी फोटोज खींच ली, इतनी सारी फोटोज खींची होंगे ना हमने कि जितनी भाई किसी ने नहीं खींची होगी। यहाँ पर फोटो खींची है ना तब भी ना भाई चैन नहीं है खुशी को, तो चैन नहीं है खुशी। चल चल जा शर्म क्या लगती है मम्मी को, शर्म नहीं है मम्मी कहीं भी कुछ भी बोल देगी। कितना है मम्मी का, चले अब घर हो गए फोटोशूट हो गई हो गई हो गई हमने कुछ नहीं किया इसका कराना। अच्छा चलो मैंने भी कहीं की फोटो खींच देने ठीक है चलो वो तो देखो गाइस घर पहुंच चुके हैं बट ना यहाँ का गेट बंद है, ये देखो गेट बंद। अब हमें यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा हमेशा की तरह। भाई ये उठाने वाली से ओ भाई क्या है तू उठा नहीं जा रहा था क्या रहा भारी हो गया भारी हो गया रहा है। चलो भाई जा अब तू जा भाई, जब भी यहाँ से हम चला मारे थे ना चोर वाली बीइंग आ रही होती। सो फाइनली अब जाके घर पहुँचे हम, सो बैक इन होम। और थैंक यू गाइज आप सभी के लव एंड सपोर्ट का, और 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा वेट है सिल्वर प्ले बटन का, देखते हैं कब आता है और आई होप जल्दी आ जाए। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।